कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। आप ही बताइए ना, कहीं गढ़ा खोद दीजिएगा तो उसमें रोशनी थोड़ी ना जाएगा, ज्यादा गढ़ा में ज्यादा रोशनी नहीं जाता है, थोड़ा ही रोशनी जा पाता है। तो चंद्रमा की सतह जो है ना पूरी तरह से गढ़ा है, इसीलिए हमारा जो चंद्रयान गया था या फिर ज्यादातर जो भी चंद्रमा पे उतारे जाते हैं यान, उसे सूर्य ज्यादातर गढ़ावे में गिर जाते हैं सर, और वो अपने संपर्क को खो देते हैं सब। तो चंद्रमा की सतह अगर आपसे कोई कह दे तो बराबर नहीं है, वो कैसा है, गढ़ा गढ़ाई है, और इन गढ़ों में चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, जिस वजह से ये गढ़े जो होते हैं वो धुंधला दिखता है। तो चांद जो है ना वो धुंधला दिखता है, तो लोग कहते हैं चांद में दाग है। कोई अलग अलग कहानियां सुनाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कहानियां प्रचलित है कि चांद पर दाग आया क्यों था। भैया चांद पर कोई दाग नहीं है, चांद पर गढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के या पुरुषों के यहाँ पिंपल्स निकल जाते हैं ना, किसी किसी का खौरा जाता है, कटहल की तरह हो जाता है, तो वो भी दाग की तरह हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा पर भी है, यहाँ कोई दाग वगैरह नहीं है। उस गड्ढे में प्रकाश न जाने की वजह से थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मून कहते हैं, और हिंदी में चंद्रमा, उर्दू में क्या कहते हैं, इसे महताब कहा जाता है। कहते हैं ना कि मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ माहताब देखा है। समझ आ गया कि नहीं, और YouTube है इस पे थोड़ा सा शायरी कम होना चाहिए, हमको लगा एप्लीकेशन है। चंद्रमा का बहुत महत्व है ससुरा, बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है, चंदा मामा, और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तू, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है, अरे अरे भाई, कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है, करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चैछन्नी में देखती है, क्योंकि उसका पावर कम है तो फिर सामान भी छोटा होना चाहिए। आप देखिएगा, एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियां पकड़ाएगी ना तो कोर्ट में आके क्या कर देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चल 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं, नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, ओ देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए, इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा, लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना तो कोर्ट में लड़का का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियां जो कहेगी वह सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इस चीज को, ये एक तरह से जरूरी भी है, क्योंकि ज्यादा अगर बराबर कर देंगे ना तो फिर समाज में एक डिसबैलेंस हो जाएगा। आप देखिए कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है, इनका आता है अनुच्छेद 14, इसमें बड़ा कंफ्यूजन, ध्यान रखिएगा यूपीएससी में इससे क्वेश्चन पूछता है। इसमें दो तरह की बातें कही गई है, एक कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कानून के आगे सब बराबर है, इसीलिए कानून पे देखेंगे ना तो पट्टी लगा रहता है, औरत तलवार ली रहती है, तराजू कहती है कि हम हमारे आंख पे पट्टी है, अब तुम आगे राष्ट्रपति हो कि चपरासी हो, ऊंचे जाति के हो, दलित हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई मतलब नहीं, गलती की अच्छा पाक काट देंगे। यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, बिफोर का मतलब पीछे नहीं, बिफोर का मतलब सामने, नहीं देखते अपोजिट मतलब सामने, तो कानून के सामने सब बराबर है। ये बातें सबसे पहले किसने किया था, एवी डेसी, एवी डेसी एक बहुत बड़े शास्त्री थे, उन्होंने ये बात को बताया था, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा है कि एवी डेसी का सिद्धांत कौन है, तो कानून के समक्ष समानता, इसी को फॉलो किया गया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में कानून सबके लिए बराबर है, वहां की रानी के लिए भी, प्रधानमंत्री के लिए, सबके लिए भी, लेकिन अमेरिका के लोगों ने कहा कि ये गलत है, कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई 5 साल का लड़का है, वो क्लास 5, मान लीजिए कोई क्लास 5 साल का लड़का है और कोई लड़का 20 साल का है, तो क्या एक ही कानून दोनों पे लागू कर देंगे? देखिए तो 5 साल के लड़के का टिकट ट्रेन में आधा लगता है और 20 साल के लड़के का टिकट पूरा लगता है। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक दे इस आधार पर कि सुप्रीम कोर्ट आप बहुत बड़े कानून के रक्षक बनते हैं, ये बताइए हम 20 साल के हैं तब वो भारत के नागरिक हो, बचो है तब वो भारत का, ओकरा आधा का है लग रहा है, हमारा का है पूरा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कहता है कि देखिए अमेरिका के संविधान में क्या कहा है, कानून का समान संरक्षण, यानी अगर आप बड़े हैं या छोटे हैं, अगर कोई गलती कर दिए हैं तो सजा आप दोनों को बराबर मिलेगी, लेकिन कुछ हद तक आपको अलग देखा जाएगा क्लासिफिकेशन के नाम पर। जैसे भारत में महिलाओं को फांसी नहीं लगी अभी तक,
कुछ डिफ्रेंसिएशन करना ठीक है। ये क्यों ठीक है? क्योंकि समाज को एक बेहतरीन बना के रखने के लिए। आप देखिएगा, एगो लड़का लड़की शादी करके भाग जाएगा सब, अब उसके बाद से लड़कियाँ पकड़ाएगी ना, तो कोर्ट में आके क्या कह देगी, हमको बहला फुसला के लेके भाग गया। अब आप बताइए, किसी लड़की को कोई बहला फुसला के भागेगा कि चल 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 भाग जाते हैं शादी कर लेते हैं? नहीं ना लेके भाग सकते हैं। ऐसे कोई लड़की को लेके भागेगा, ओ देखो कौआ कौआ कौआ, अरे बहलाया फुसलाया किसको जाता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो हमारा कानून कहता है कि देखिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि सब पे कानून बराबर लगे, किसी पे थोड़ा सख्त कर दीजिए, किसी पे कम कर दीजिए। इसका मेन मकसद है हिंदुस्तान को अच्छा रखना, इसीलिए इसको लाया गया है कि थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है। देखिएगा, लड़का लड़की अगर भाग जाएगा ना, तो कोर्ट में लड़का का कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा, लड़कियाँ जो कहेगी वह सही हो जाता है। इससे क्यों रखा गया इसकी दो सूचना सुनिए। देखिए, ज्योग्राफी का एडमिशन क्लोज कर दिया गया था, लेकिन बहुत सारे लड़के छूट गए थे, और क्लास लेते समय एप्लीकेशन पे सब यही कहता है, सब सर एडमिशन थोड़ा ओपन कर लीजिए। तो ये जो दीपावली आ रही है, तो इसके अवसर पर हम ये ज्योग्राफी का एडमिशन ओपन कर रहे हैं। आप उसमें जाके मिनिमम फी में ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी टोटल चीज कर सकते हैं, पूरा पोर्शन। उसमें से आप एकदम ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक का कंप्लीट आप देख लेंगे। आप ऐसे भी टॉपिक देख के तो समझते ही कितना है, तो आप उसमें जाके ले सकते हैं। अभी भी उसका एडमिशन फी कितना 200 रखा गया है। पहला सूचना ये, जल्दी लीजिएगा, ये कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि सर्वर पे ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, वरना धीमा चलने लगता है सर्वर। दूसरी बात कि जो लोग कॉल कर करके ऑफिस टीम को परेशान कर दिए कि खान सर से कहिए हमारा थोड़ा सा स्पॉन्सर कर दे, भाई हमें किसी का स्पॉन्सर नहीं करते, हम खुद के बारे में कभी बोलबे नहीं करते, तो आपका कहाँ से बोलेंगे। दूसरा, ये लोग परेशान करते हैं लोग कि सर आप हमारे पास इतने पैसे ले लीजिए, हमारे यहाँ आके पढ़ाइए, भाई हम कहीं नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ परेशान मत किया कीजिए। इतना परेशान कर देते हैं लोग कि ऑफिस के नंबर को ऑफ करना पड़ता है, और फिर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम हो, हम यहां प्रचार नहीं कर सकते किसी का, और दूसरा हम कहीं नहीं जा सकते, हमें कोई ले नहीं जा सकता। आप कीमत की बात छोड़िए, हिंदुस्तानी है, हमें प्यार से बुलाया जाता है, खरीद तो कोई नहीं सकता हमें। जिसके रीजन भी है, अगर हमको कोई करोड़ में खरीदेगा तो कल को वो हमारी फीस 200 रुपये तो रखने नहीं देगा, फिर गरीब लड़के मारे जाएंगे। इसलिए आप इसको समझेंगे, एडमिशन जल्दी से लेना होगा जिनको लेंगे, वरना ये फिर बंद हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।